अभी ना कल से कुछ लोग मेरे इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में बहुत स्पैम कर रहे हैं, साथ में यूट्यूब पे भी स्पैम कर रहे हैं कि भाई मैं रिएक्ट करो, जो ये भसड़ चल रही है 3-4 क्रिएटर के बीच में उस पर रिएक्ट करो, आखिर क्यों हो रहा है ऐसा, कौन सही है, क्या है दुनियादारी, देखो कौन सही है कौन गलत है ये तो अपन नहीं बताएंगे, लेकिन हम कुछ पॉइंट समझेंगे जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना अभी के टाइम में। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ, चीजों को पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे, ऐसे पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट अभी के टाइम में, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। पहला पॉइंट समझते हैं पहले, ये पूरी भसड़ स्टार्ट होती है एक छोटे से ऐप के कारण, जो कि एक फेक ऐप है प्रमोशन के नाम पे, उसको बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। बात समझना, इस पूरी भसड़ में देखो गलती दो लोगों की है, एक क्रिएटर के साथ में उस एजेंसी की जिसने उसको डील दी है। अब एजेंसी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट उठाती है कि देखो कंपनी है एक्स कोई भी, उसका एक टारगेट होता है कि तुमको इतने डाउनलोड्स लेके आने, इतने यूजर लेके आने, तुम कैसे भी लेके आओ। तब ये क्या करते हैं मार्केटिंग एजेंसी वाले कि इसको क्रिएटर का एक टारगेट होता है कि हमको इस क्रिएटर से इतना रिजल्ट निकालना है, और उतना निकालने के लिए ये लोग अपने उसमें क्लिक बेट करवाते हैं। कुछ लोग थंबनेल में क्लिक बेट करवाते हैं, कुछ लोग मतलब कहीं देते हैं आपको सैमसंग का फोन है और लिखते हैं आईफोन है, कुछ लोग कुछ भी करते हैं, उनकी बात ही छोड़ो, उसकी बात ही अलग है। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने ये स्कैम किया कि हमको डायमंड देंगे, ये करेंगे, बाकी ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, नई बात नहीं है। फ्री फायर में ये पहले भी बहुत बार हो चुका है, बहुत सारे क्रिएटर्स का प्रमोशन किया है, बहुत सारी चीजें हुई हैं। एक बार मुझसे भी हो गई थी ये चीजें, मानोगे नहीं पर हुआ ऐसा मेरे साथ, वो वीडियो हटानी पड़ गई थी मेरे को इसके चक्कर में, मतलब अपलोड करने के 7-8 मिनट बाद हट गई थी वो वीडियो। मनी मेकिंग ऐप होते हैं ना, इसमें सिर्फ मेरे को 1-2 ऐप ढंग के दिखे हैं जिससे सच में मेरे को कुछ दिखा के हाँ, जैसे कि विंडो था उसका रेफरल सिस्टम है, मानता हूँ कि हाँ उससे अर्निंग होती है, बाकी मेरे को ऐसा कोई खास दिखा नहीं कुछ, 1-2 ऐप को छोड़ के बाकी सब भगवान भरोसे जीने वाले ऐप्स थे। तुमको पता है जितने भी क्रिएटर्स अभी बोल रहे हैं ना कि यार हम इसका प्रमोशन नहीं करते हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों ने पास्ट में ऐसी बहुत गलतियां करी हैं। अगर तुम उनके वीडियो उठा के देखने बैठोगे तुमको बहुत सारे ऐप के प्रमोशन मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं, कहीं क्या बहुत कहीं तक वैलिड है ही नहीं, उनकी बात कहीं से कहीं तक मैच होती नहीं उस ऐप से। मैं क्या इस कॉन्ट्रोवर्सी में कूदना नहीं चाहता, वरना मैं भी देखा है मैंने बहुत लोगों को करते हुए कि ये डायमंड देने के नाम पे ट्रेडिंग और बिटकॉइन वाले ऐप प्रमोट करवा रहे थे, मतलब क्रिएटर से भी, और क्रिएटर लोग प्रमोट भी कर रहे थे ये बोल के बच्चों जाओ डाउनलोड करो डायमंड लिंक लगा तुमको, इवन पैन कार्ड की डिटेल तक डलवा रहे थे उसमें, मैंने ये तक देखा लोग करते हुए। ये आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, आप खुद समझ जाओगे कि ये चीज किस बंदे ने की थी। आप थोड़ी रिसर्च करो, बस थोड़ा घूमो फिरो, आपको मालूम चल जाएगा कि कौन आपकी पैन कार्ड डिटेल मांग रहा था, कौन क्या क्या कर रहा था, सब मिलेगा आपको देखने को, बस थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा चीजों को प्रूफ्स कलेक्ट करने में। ना क्या क्या कैट फैट जो भी हो रही ना, इसमें अपन अब नहीं घुसते, अब किसी के मैटर में अपन उतना बोलते नहीं, अपना सिर्फ एक ओपिनियन रहता है कि इस चीज को लेके कि हाँ ये बात यहीं खत्म हो जाए। और जो लोग इसे वीडियो बना रहे हैं या फिर ऐसा बोल रहे हैं कि भाई फेक ऐप था, ये था, वो था, भाई वो लोग भी रेडी हो गए थे प्रमोशन करने के लिए, बहुत बंदे ऐसे हैं, मैंने ऐसे बहुत क्रिएटर देखे हैं 2-3 जो लोग वीडियो बना रहे हैं अभी टाइम में, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो लोग रेडी हो गए थे कि भाई हमको दे दो पैसा हम कर देंगे प्रमोशन। वो तो अच्छा, कुछ लोगों ने स्टेटस डाले अपने व्हाट्सएप पर कि भाई ये ऐप आएगा प्रमोशन के लिए, इसका प्रमोशन मत करना, तब जाके उन लोगों ने मना किया और वो हरीशचंद्र बन गया वीडियो के अंदर। मेन भसड़ का कारण पता है क्या है कि यहाँ जब क्रिएटर ने गलती करी उसको लोगों ने पोक किया, थोड़ी सी उंगली करी कि भैया देखो तुम गलती कर रहे हो, यहाँ पे गलती को सुधारो, तो यहाँ पे क्रिएटर का फर्ज बनता है कि वो सॉरी बोले आके, मतलब पागल एमटेन को आके अपोलॉजी मांगनी चाहिए थी कि भाई मुझसे गलती हो गई, ना कि ये डिफेंड करने चाहिए इस चीज को कि ये होता है वो होता है, यार तुम में प्योर और अनग्रेजुएट में अंतर ही क्या रह जाएगा। बात करते हैं बिन जैद की गलती पे, देखो बिन जैद ने भी गलती करी है, पूछो कैसे, सिर्फ पागल एमटेन को टारगेट नहीं करना चाहिए था, थोड़ा बहुत प्यार जीडब्ल्यू मनीष भी डिजर्व करता था, बाकी लोग भी डिजर्व करते थे, लेकिन तुमने उनको बख्श दिया, ये बहुत बड़ी गलती करी तुमने और ये करना चाहिए तुमको। वो जितना फेक लोगों को, फेक ऐप्स को, फेक चीजों को जीडब्ल्यू मनीष ने प्रमोट किया ना, मुझे नहीं लगता कि पागल एमटेन उसके आसपास भी होगा, मुझे लगता ही नहीं कहीं से कहीं तक। यहाँ पे बिन जैद ने गलती करी कि पेलते समय थोड़ा सा मतलब कंजूसी करी, थोड़ा बराबर बराबर पेलना था सबको, थोड़ा मतलब एक पे मतलब मजा नहीं आता यार, सबको बराबर प्यार दो, मैंने दिया था ना पुरानी वीडियो में बराबर प्यार सबको, नाम किसी का नहीं लिया क्योंकि बहुत सारे लोग थे, किस किस को पेलता बैठू मैं, फिर वो टारगेट वाली बात हो जाती मजा नहीं आता, इसीलिए प्यार सब बराबर बांटो अगर बांटना है तो। और वैसे अभी कुछ बिगड़ा नहीं, बिन जैद चाहे तो फिर भी अभी पेल सकता है 2-3 लोगों को जो बच गए, क्योंकि देखो प्यार सब बराबर बांटना चाहिए, समझ रहे हो ना, और बॉस ऑफिशियल वाला भी पेल सकता है आराम से बैठा के लिटा के उठा के जैसे मन करे उसको। तुम लोग कमेंट करके बताओ मुझको, क्या ये लोग भी प्यार डिजर्व करते हैं, जो पागल एमटेन को प्यार मिला है थोड़ा प्यार इनको भी मिलना चाहिए, अगर तुमको ऐसा लगता है ऐसा होना चाहिए तो कमेंट करके बता दो, मैं समझ जाऊंगा, ये नहीं देंगे तो मैं प्यार दूंगा पर दूंगा जरूर, यहाँ देख लेना कमेंट करना बताना मेरे को, जरूरी है ये चीज। अब दूसरा टॉपिक ऐसा है कि पागल एमटेन ने बिन जैद को बोला कि तू पत्थरबाज है, देखो भाई मैं बात क्लियर बोलता हूँ, तुम्हारी यहाँ पे लड़ाई हो रही है बिन जैद से, तुम उससे लड़ो, तुमको जो करना है वो करो, तुमको जैसा समझ में आए वैसा करो, लेकिन पर्सनल रखो उसको कि हाँ भैया तेरी मेरी पर्सनल लड़ाई है, पर्सनल लड़ते हैं अपन, यूट्यूब की लड़ाई है, तूने मेरे को एक्सपोज किया मैं तो एक्सपोज कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे पत्थरबाज वर्ड यूज करने का कोई सेंस बनता ही नहीं था कहीं से कहीं तक, समझ रहे हो।
कोई मतलब नहीं है इसको यूज करने का। तो 370 हटने के बाद किसी को पत्थरबाज बोल के तुम कहीं ना कहीं अपना खुद का नुकसान कर रहे हो। तो एक जो बंदा मतलब मान के चलो कोई मैनिपुलेटेड बंदा है जो पास्ट मैनिपुलेट हो चुका था, उसने कोई गलती की होगी, और अगर वो अभी टाइम में तुम्हारे साथ रहना चाहता है, तुम्हारे बीच में रहना चाहता है, और तुम ऐसी हरकत करोगे उसको पत्थरबाज बोल दोगे या फिर कुछ भी कह दोगे, तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये भावना आएगी कि नहीं यार ये मुझसे हेट करता है, इसकी कम्युनिटी मुझसे हेट करती है, या फिर ये लोग मेरे साथ नहीं रहना चाहते। तो उससे पता है कहीं ना कहीं एक डिफरेंस पैदा हो जाएगा इंसान और इंसान के बीच का। और समझो इस चीज को, ये बहुत सीरियस टॉपिक है किसी को पत्थरबाज से ओपनली बोल देना और मतलब वो कश्मीर से तो तुम ऐसा कर रहे हो, ये गलत चीज है, मत करो, कोई मतलब नहीं निकलता, तुम्हारी बहुत छोटी है इन सब चीजों के लिए। यहाँ पे गवर्नमेंट आर्मी सब लोग यही चाहते हैं कश्मीर के लोग और बाकी जो दूसरे शहर के लोग हैं वो लोग आपस में मिलजुल के रहे, कहीं किसी के मन में ये भावना ना आए कि भाई ये मुझसे हेट करता है, लड़ता झगड़ता है, ये चीजें पुरानी चीजों को लेकर लोग ना बैठे, क्योंकि तब के टाइम में लोग मैनिपुलेटेड थे, उनका एक वो था, लेकिन अभी के टाइम में वो चीजें थोड़ी एक हद तक नहीं कहूंगा मैं 70% खत्म हो चुकी हैं। अब लोग अपना लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं कि नहीं हमको पैसा कमाना है, आगे कुछ करना है, तभी जाके आज तुम देखो तुमको इतने अच्छे अच्छे बॉलर मिल रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं कौन कौन मिल रहा है, बहुत सारी चीजें मिल रही हैं आज के समय में। तो ऐसे किसी को पत्थरबाज बोल के डिमोटिवेट मत करो, उसको अपने आप से अलग मत करो कि भाई तू ऐसा है वैसा है, पर्सनल लड़ना है तुम लड़ो, तुम मर कट जाओ मेरे को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे में क्या होता है ना कहीं एक पूरा बहुत अलग बात हो जाती है यार, तुम लोग नहीं समझते, तुम लोग बहुत छोटे हो इन चीज को समझने के लिए, क्योंकि तुम लोग मानो या ना मानो एक क्रिएटर अपने साथ साथ अपनी कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, अपने कंट्री को भी रिप्रेजेंट करता है, अपने स्टेट को भी रिप्रेजेंट करता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? और नहीं समझ में आया ना, और अगर छोड़ो यार तुम लोग बच्चे हो यार, अभी बहुत बच्चे हो तुम लोग, अभी तुम लोग इन टॉपिक्स पे बोल के चले जाते हो, लेकिन तुमको उसको पता नहीं कि उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बहुत सारी चीजें गलत हो सकती हैं। तुम नहीं समझते हो, अगर ये चीज बड़े लेवल पे जाती है ना, तुम नहीं जानते तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, ये छोटी मोटी चीजें नहीं है। अब वही सेम चीज मैं बोलूंगा अपने बिहार वाले टॉपिक के लिए। अब देखो ऐसा है, एक एग्जांपल दूंगा, छोटा सा एग्जांपल। अब मान के चलो मेरी हो गई ज्ञान सुजन से लड़ाई, बराबर। अब मैं उसको ऐसा नहीं बोल सकता कि ए बंगाली तू एमसीए बीसीए तू ज्ञान सुजन, मेरे को अगर कुछ बोलना है ना उसको तो मैं बोलूंगा ज्ञान सुजन तू चूतिया है, तू गधा है, उन लोगों पर कुछ भी बोलूं ज्ञान सुजन को, ठीक है वो बात है ज्ञान सुजन और मेरे बीच के। लेकिन जहां पर मैंने बंगाली वर्ड यूज कर लिया या फिर मान लो टोटल से लड़ाई होगी मेरी, वहां मैंने गुजराती वर्ड यूज कर लिया कहीं ना कहीं, तो वो गलत हो जाता है, वो यूज करना कहीं से कहीं तक सही नहीं है, क्योंकि लड़ाई तुम्हारी है ना भैया, आपस में लड़ो ना, यहाँ पे स्टेट का क्या मतलब है, तुम क्यों यूज कर रहे हो उस चीज को, ना तुमको अधिकार है किसी का रिलीजन यूज करने का, ना ये चीज यूज करने का। और तुम जितनी जल्दी समझ जाओ, जितनी कम एज में समझ जाओ, उतना अच्छा है तुम्हारे लिए, क्योंकि अभी तुमने वो चीज अच्छा हुआ अपने चेहरे के साथ नहीं बोली, और अगर किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर तुमने चीज बोली होती तुमको जूते पड़ चुके होते अब तक। बहुत छोटी बात ही नहीं है, बहुत बड़ी बात है, समझने के लिए बहुत दिमाग चाहिए। अभी तुम्हारी एज कम है, बहुत कम है वैसे, तभी तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। एंड यही है कि देखो भाई आपस में तुमको लड़ना है, खूब लड़ो, लेकिन किसी के स्टेट को या फिर किसी चीज को मेंशन मत करो जिससे उसके साथ साथ दूसरे लोगों का प्रॉब्लम हो, जो लोग तुमको देख रहे हैं, तुमसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और उनके दिमाग में यही बात आएगी कि यार देखो ये बंदा उस स्टेट का, इसलिए मेरे से नफरत कर रहा है। ये माहौल मत क्रिएट करो, ये अच्छा नहीं लगता ये चीजें, ठीक है। और तुम बहुत छोटे हो, अभी भी कह रहा हूं मैं, बहुत छोटे हो, माफी मांगने में भलाई रहती है इन चीजों में माफी ही काम करती है, बाकी कुछ काम नहीं आता। अब बात करते हैं एंड टॉपिक। एंड मतलब ऐसा है कि देखो सब लोग आपस में लड़ रहे थे कि देखो पागल एमटेन हैकर के साथ खेल रहा है, हैकर से आईडी खिलवा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। भाई तुम्हारी वो पर्सनल लड़ाई है, वो तुम्हारा पर्सनल है, ये तुम बिंदास लड़ो। मैं तो कहता हूँ दिन भर लड़ो, दिन भर एक्सपोज वीडियो बनाओ, दिन की 5 वीडियो बनाओ, बकायदा शॉर्ट्स बना के एक्सपोज करो, बकायदा इंस्टाग्राम पे लाइव आके खेलो कूदो जो करना वो करना। लेकिन यार ये समझ रहे हो ना, दो टॉपिक ध्यान रखना है कि अपने को ये गलती नहीं करना है। अगर ये गलती हो रही है सॉरी बोल देना कि हाँ भैया फ्लो में निकल गया, उस टाइम मेरे को दिमाग में नहीं है ये बातें, मेरा मुंह से निकल गई मेरे, समझ रहे हो, ऐसा बोलने का। पर ये डिफेंड करना मजा नहीं आता देखो, क्योंकि सेंस ही नहीं बनता इन चीजों का, ठीक है। वो दो टॉपिक के लिए अगर अपन सॉरी बोल देते तो वो बेनिफिट रहेगा, फिर बाकी अगर कोई टॉपिक तुमको बोल रहा है सामने वाले की गांड मार लो, मैं तो कहता हूँ पेलो ना पक्के। अगर तुम कुछ बोलता है कि भाई मैं आपके साथ खेल रहा हूँ ये वो, बिंदास पेलो, तुमको अपना अपने आप को सही प्रूफ करने का पूरा अधिकार है, ठीक है, किसी भी लेवल पे हो कुछ भी हो। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जहां पे इंसान अपने आप को सही प्रूफ नहीं कर सकता, जहां पे गलती हो गई है माफी मांग लेने भलाई है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसा जहां पे प्रूफ कर सकता है और वहां तुमको पूरा अधिकार है, मैं तो कहूंगा करो। अगर तुमको लग रहा है कि बंदा मेरे को बिना मतलब ऐसा बोल रहा है, इसने मेरे को बिना मतलब हैकर बोल दिया, फलाना बंदा मेरे को ऐसा बोल रहा है कि भाई मैंने ये गलती करी नहीं है फिर भी मेरे को झेलना पड़ रहा है, बिंदास बोलो तुम उस पर, अपना पॉइंट रखो, लेकिन दो चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलो चलता हूँ, किसी और दिन मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ, जरूरी था इसलिए मैंने बोल दिया, बाकी अपने को फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, जो भी चल रहा है चलने दो। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो याद से कर लेना, क्योंकि अभी बहुत तगड़ी चीज आने वाली है, 19 तारीख को शायद 19 से 20 तारीख के लगभग आ जाएगी, रेगुलर आएगी, बहुत मजा आएगा तुमको, 2 महीना इतना मजा आएगा तो तुम मजे के मारे मतलब बस तुम्हारा जहां तुम 2 रोटी खा रहे हो वहां 4 रोटी खाओगे, इतना मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम में फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चला बटन दिख जाएगा, लाइक कर देना वीडियो को, दोस्तों में शेयर कर देना, और बताना लोगों की भाई आगे चल के ऐसी गलती नहीं करनी है। टाटा बाय बाय।